चश्मा मौजूद है जो बिल्कुल सूखा रहता है, लेकिन अल्फाज उसे दोहराए जाते हैं तो उस चश्मे में पानी उतर आता है। वहीं आपको उसी जगह पे हालसेदार की मकाम पे मैं आपको ले आया हूँ। बराए रास्त आप यहाँ से देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक चश्मा है, बिल्कुल इस वक्त सूखा पड़ा है, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे जो इस सूखे चश्मे को कुछ कश्मीरी अल्फाज में कुछ आवाजें देकर वहां से पानी आ जाता है। इसे कुदरती शाहकार कहिए या कुछ करामात। सुनने में आया है कि यहां पे एक कुछ मशहूर बुजुर्ग भी यहां से निकले हैं जिनकी वजाहत से ये चश्मे यहां से फूट पड़े हैं। इन चश्मों का पानी इतना साफ शफाफ होता है, यहाँ के लोगों का कहना है कि इन चश्मों का पानी पूरे इलाके के लिए शिफायाब साबित होता है। अभी हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, ये आपको दिखाएंगे, ये कुछ अल्फाज इसको दोहराएंगे, तो उसके बाद आपको इस चश्मे के भी नजारा कराएंगे जो अभी सूखा पड़ा है। और ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, ये कुछ अल्फाज दोहराएंगे, उसके बाद यहाँ से इस चश्मे से पानी निकल आएगा। जी नाजरीन, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कश्मीरी जुबान में दोहराए जाते हैं, और लोगों का कहना है कि कम से कम 3 मिनट के अंदर अंदर इस चश्मे से पानी निकल आता है, और ये पूरा चश्मा पानी से भर जाता है और इसके ऊपर भी बह जाता है। अभी हम आपको ले चलते हैं सीधा उसी चश्मे के पास, यहाँ पे कुछ मौजूद है, कुछ बच्चे और एक बुजुर्ग, वो कुछ अल्फाज दोहरा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं सीधा आपको बराए रास्त ये जो चश्मा है, ये जो अल्फाज दोहरा रहे हैं, बिल्कुल पानी आ रहा है। इसे आप कुदरती शाहकार कहिए या करिश्मा, बिल्कुल ये अल्फाज दोहराते हुए यहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा है और पानी बिल्कुल बड़ी तेजी के साथ ऊपर आ रहा है। ये बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल अभी तक ये सूखा चश्मा था, लेकिन कश्मीरी बच्चे जो हैं यहाँ पे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इन्होंने कश्मीरी अल्फाज में इसको दोहरा के कुछ अल्फाज दोहराए जिसकी वसादत से इस चश्मे से पानी फूट पड़ा। बिल्कुल साफ शिफाफ पानी ऊपर आ रहा है बड़ी तेजी के साथ, बिल्कुल हैरान करने वाली बात है ये। जी बिल्कुल आपने देख लिया, ये हलसीदार इलाका वेरीनाग से कई किलोमीटर दूरी पे वाका है ये गांव, बहुत ही खूबसूरत गांव, पूरी पहाड़ियों से ये इर्द गिर्द बना हुआ है और यहाँ पे बुजुर्गों की करामात भी बताए जाते हैं। तो ये एक चश्मा हमने आपको दिखाया जिसमें जो अभी तक सूखा पड़ा था और इन बच्चों ने कश्मीरी अल्फाज में कुछ कश्मीरी अल्फाज दोहराए इसके ऊपर इसके इर्द गिर्द, तो पानी बिल्कुल ऊपर आ गया। ये एक हैरान करने वाली बात कहिए या इसे कुदरती करिश्मा कहिए, लेकिन यहाँ पे हम तासीर टीम जब यहाँ पे पहुंची तो इस चश्मे के इर्द गिर्द हमने देखा तो कोई खास डेवलपमेंट इसमें नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की शाहकार के इर्द गिर्द बिल्कुल कुछ कंक्रीट वगैरह बना के इसको एक यादगार बनाया जाए।
आज। हमने आपको दिखाया जनूबी कश्मीर के हालसीदार वेरीनाग इलाके में एक ऐसा चश्मा मौजूद है जो बिल्कुल सूखा पड़ा है, लेकिन कश्मीरी अल्फाज दोहराने के बाद उसमें पानी उबर आ जाता है। देखने वाली और हैरान करने वाली बिल्कुल बात यह है कि कश्मीरी अल्फाज दोहराने के बाद वो पानी ऊपर आता है और कश्मीरी अल्फाज ही दोहराने के बाद वो पानी नीचे चला जाता है। इसे कुदरती शाहकार कहिए या करिश्मा साजी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक बुजुर्ग यहाँ के, जो इस चश्मे के बारे में थोड़ी सी हमें तफसीलात बता देंगे। जी, आपका नाम? वली मोहम्मद ठोकर। वली मोहम्मद ठोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो इस चश्मे के बारे में हमें बता दीजिए, इस गांव के बारे में बता दीजिए, कौन सी ज्यारतें हैं और इस चश्मे की हकीकत क्या है? जनाब, ये गांव हालसरार है, तहसील वेरीनाग डूरू, जिले अनंतनाग। यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है ऐसी, कम से कम 40-45 साल मैं भी जानता हूँ और मेरे अबा जान जानते थे, उससे पहले दादा वगैरह उससे पहले जानते थे। और 40 साल के बाद हम फिक्र में पड़ गए, तकरीबन 60 साल का आदमी हूँ, तो 40 साल तक मैं बच्चा था, जो 40 साल से मैं देखता हूँ, बहुत आदमी आते थे, पंडित आते थे, 8 कनाल जमीन है इसके इर्द गिर्द, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, देखने वाला चीज है। इसको कहते हैं कश्मीरी जबान में खसखस नगी, खसखस नगी, आ जा पानी ऊपर, ऐसा की कि पानी ऊपर आ जा, पानी ऊपर आ जा, ऐसी बात होती है कि कश्मीरी बोलते हैं खसखस नगी, उर्दू में बोलते हैं पानी ऊपर आ जा, पानी अपने आप ऊपर आ जाती है, पर चले जा पानी वापस, नहर नहर गस गस नगी वापस चले जाता है वापस। और इसके कोई देखने की चीज, देखने वाली चीज है, तो अगर गवर्नमेंट इसको तवज्जो दे तो हमारा इलाका भी कम से कम यहाँ भी कुछ रोजगुजार हो जाए। और इसके पीछे एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे उसके नीचे से पानी निकलता है, सतऋषि साहब उसको बोलते हैं कि अगर उधर से उसको कोई तामीर किया जाए, और उसकी बहुत यादगारी है, को कुरान के साथ तोलते हैं उस पानी को और शफा हो जाता है, और बहुत अच्छा पानी है, वो वजीफा का पानी होता है, उससे शफा मिलता है बीमारों को। और पानी गंदा ना करे, गंदा करने वाले लोग गंदा पानी करते, नहीं तो नीचे तक यही पानी होता था और शफा बनता था। बाकी सुना, इन चश्मों का पानी बिल्कुल ऐसा साफ शफाफ था जो पूरा इलाका एक शिफा याबी के लिए इस्तेमाल करता था, और यहाँ पे बीमारियां बहुत ही कम थी। लेकिन इनका कहना है कि गंदगी की वजह से इन चश्मों में ये पानी गायब होता जा रहा है और इनके इर्द गिर्द कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं हो पा रहा है। देखने वाली बात यह है कि इस पानी का बहाव एक कश्मीरी अल्फाज दोहरा के ऊपर आ जाता है और कश्मीरी अल्फाज ही दोहरा के नीचे चला जाता है। जरूरत इस बात की है कि इस नायाब चश्मे को तलाश कर पूरी दुनिया में देखा जाए और इसके इर्द गिर्द डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए। जावेद अहमद, तासी न्यूज, श्रीनगर। پانچ جائیں گے پانچ جائیں گے سر احتیاط سان پکو۔